भाई मैं नहीं ले रहा क्योंकि मैं पहली दफा इधर मरकज में आया हूँ। कंटेरिया होती है ना ये, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा आज होगा, मैं मुल्क छोड़ने लगा हूँ। शर्टे शर्टे ले रहे हैं, फोन थके हुए थे ना बच्चे, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फानी शहर। तो आज हम आए हैं रैविन, क्या लेने आए हैं, कल हमारा है स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल, तो उसके लिए हमें अजरक चाहिए और सिंधी कैप चाहिए। तो यार इस शॉप पर आ गए हम और हमने जो है ये अजरक भाई ले लिया, ठीक है। रजा, आशर, मेरी और अली, और जो खिजर है भाई वो तो नहीं पहन रहा, पता नहीं क्यों नहीं पहन रहा यार। उसने ड्रेसिंग करके आनी, उसके पता है वो SPL है, तो फिर उसकी ड्यूटी तो मेरी भी लगी हुई है। हाँ ठीक है, लेकिन तू 2 मिनट वीडियो बना के फिर हमारे पास। तो अजरक ले ली, अभी आगे निकलते हैं। सिंधी कैब चाहिए हमको, सिंधी कैब पास मिलेगी वो मरकज से। चलो मरकज चलते हैं। हम आगे शॉपर, और शॉपर जो है हम सिंधी कैप्स ये देखें यार, अच्छा लग रहा हो ना। हाँ हाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं। आशिर को चेक करें यार, मुझे सूट की है, दोनों को सूट किया। अब मेरी बारी है, ये यार ये दिखा ना, ये पकड़ना जरा वीडियो बना। नहीं वो ब्लैक वाली दिखा। नहीं ये वाली लेनी है यार, ये देखो अच्छा लगा है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख अच्छा लगा, ये देख अच्छा लग रहा है यार। भाई मैं नहीं ले रहा, सॉरी कैंसिल कैंसिल कैंसिल। भाई मैं नहीं पहन रहा, ये देख क्या लग रहा है। तो यार फाइनली कैप्स हमें मिल गई हैं, ये सिंधी कैप्स हमने ली हैं, ठीक है। तो अभी ये कल तैयार होंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की हम लगेंगे विद अजरक ब्लैक सूट एंड सिंधी कैप। तो यार यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि ये रायविंड मरकज को भी हम विजिट करते चलें। तो ये रायविंड मरकज है भाई, विजिट नहीं करने आए, किताब सुनने आए हैं, ठीक है ना। तो हम किताब सुनने आए हैं, जुम्मा का दिन है यार। यहाँ रश देखें कितना, ये कैफेज बने हुए इधर अंदर ना, मतलब खाने की जो जगह है इधर मरकज में यार, ये स्टॉल्स लगे हुए हैं और इधर जो है नीचे चाय वगैरह मिलती है। अच्छा मैं अपनी लाइफ में ना इधर पहली दफा आया हूँ, मतलब के रायविंड के पास थोड़ा सा आगे जाए तो मेरा घर है, लेकिन मैं जिंदगी में पहली दफा इधर मरकज में आया हूँ। और जो आशिर है, आशिर के अबू जमात निकालते हैं, जमात निकालते हैं, मतलब तस्कील करते हैं कि इस इलाके में जाना, आपने इस इलाके में जाना है, वहाँ जाके तबलीग करनी है। अच्छा अच्छा, तो अभी भी हम जो आए हैं एंट्री जैसे हमारी हुई है, आशिर ने बोला कि मैंने अबू से मुलाकात करनी है, तो इस वजह से हम अंदर एंटर हो गए। तो यार मरकज से आगे हम बाहर अंदर जो था वीडियोस बना रहे थे, व्लॉग बना रहा था मैं, लेकिन एक मौलवी ने मुझे मना किया कि अलाउ नहीं है, तो वहाँ से फिर मैंने नहीं बनाया। तो अंदर किताब वगैरह सुना है, काफ़ी बहुत बड़ा मरकज है, डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, जैपनीज चाइनीज एक्सेट्रा। तो अभी बस हम बाहर आ गए हैं, मैं और रजा, वो आशिर जो है अभी अंदर ये आ रहा है। तो जी ये आशिर आ गया, तो बस अब निकलते हैं, हम घर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। खाना खाना है, भूख लगी हुई है, लगी हुई है। मैंने तो अंदर से कहा था यार, वो अंदर रस बहुत ज्यादा था, तो खाना खाते हैं चलते हैं। तो यार हम जा रहे थे, खाने का प्लान था, लेकिन हमने जो ये गंडेरिया होती है ना, ये गंडेरिया लिए हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये चूस रहे हैं। तो यार हम आगे अंदर यूनिवर्सिटी आ गए हैं, अभी मैं, आशिर, रजा और अली पता नहीं कहीं गया वो। यार मैंने शर्ट भी चेंज कर ली है, और हाँ यो ब्रो, ये सरार भाई आ गए ताजे ताजे। अली इधर था हमारा, जब से वेट कर रहा था लेकिन चला गया नाराज होके, झूठ बोल रहा भाई। अली कोई नहीं था, अली को मैंने 10 फोन किया, अली उधर बैठा अपनी कटिंग शटिंग करवा रहा। किधर? फ्लैट के पास। वाकई? हाँ जी, मेरे पास मैसेज पड़े हुए। वो हमें कह रहे हैं कि क्या नाम है, कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ, नहीं आया यूनिवर्सिटी, एक दफा भी नहीं आया। मैंने उसको 10 फोन किया, कहता भाई मैं हॉस्टल हूँ, मैं कटिंग करवा रहा। गजब टूबी वाज आदमी। मैसेज दिखाना। अच्छा ओके, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा आज हो, कहाँ हो? मैंने कहा इधर। कह रहा हॉस्टल। अच्छा आगे रहने दो। अच्छा कह रहा है कि हॉस्टल हूँ, और इसरार कह रहा है कि यूनिवर्सिटी आया ही नहीं, एंटर ही नहीं हुआ। हमें कह रहा था कि मैं वेट कर रहा हूँ आपको यूनिवर्सिटी। यार अली ये क्या बदतमीजी है, मुझे ये बता, हम तेरा वेट कर रहे हैं इधर हॉस्टल बैठ के। वॉइस कर रहा है उसे। तेरे तो ना पता यार। तो यार ये आ गया अली, और ये कह रहा है कि मैं पागल हूँ। तू पागल है अली? हाँ मैं ही पागल हूँ। की कह रहे हैं, मैंने दसी इधर दसी। यार केले आजकल बड़े महंगे हुए पड़े हैं, पता नहीं क्या हो गया लोगों को। अभी हम जाने लगे हैं खिजर के घर, क्योंकि खिजर के घर के पास ही वो स्टेडियम है जहाँ पर सुबह जो इवेंट है। ये कैप्स ली थी, और ये जो अजरक चादरा कहने की कहने दो, अली भी आया हुआ भाई, अली भी आ गया। नहीं तो रहने तो ना रहा। तो यार ये भी रख दी है, और ये कैप्स भी रख दी है, ठीक है, पैकिंग हो गई है। हाँ इसे अदरक कहते हैं। और ये बड़े एक्शन के साथ मैंने ये जिप बंद की है जनाब, सब खुली गई है। यार जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान है, हम टर्की में नहीं है। खैर मैं मुल्क छोड़ने लगा हूँ, तो इधर गड्ढा बहुत ज्यादा है। मैंने सोचा कि मैं गड्ढे से थोड़ा बच जाऊँ, तो मैंने इस वजह से ये दुपट्टा ले लिया है। तो अभी जो पेट्रोल डलवा गए, तो हम निकलेंगे। तेल है इतने,
तो हम निकलने लगे हैं बट के घर। चले चलो। तो यार फाइनली हम आ गए खिजर के घर और दोस्त जो है सारे इधर खड़े हैं। खिजर बस आ रहा है भाई, हम जाने लगे अंदर। और इनके साथ ना मैंने छोटा सा प्रैंक किया, इनको मैंने बोला है कि खिजर ने ना कढ़ाई बनाई हुई है, तो अभी इनको नहीं पता कि कुछ भी नहीं है खाने के लिए। ये सब ना एक्साइटेड है कढ़ाई खाने के लिए। लेट्स सी कि अब क्या बनता है। यार रजा जी, अभी कढ़ाई का नहीं पूछना खिजर से, जब हम अली अंदर बैठेंगे ना तो फिर आशर आपने मेनू ना लिया, मेनू नजर आ रहा पीछे। नहीं नहीं आ रहा है, फ्लैशलाइट तेरे मुंह पे बज रही है। सही बात। तो यार अभी कढ़ाई का नहीं पूछना, जब अंदर टेबल पे बैठेंगे ना फिर बट से पूछना है कि यार रोटियां तंदूर वगैरह कहीं खुला है, रोटियां मिल जाएंगी। ऐसे नहीं पूछो यार, गलत बात है यार। प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट हो गई है इसके काम चेक। यार कैप पहननी है, कपड़े सुबह पहनेंगे और सीधा स्टेडियम। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पूछो यार जल्दी पूछ, कुछ नहीं होता फिर ये पूछ ले। क्या पूछ ले यार, बट चिकन का रेट क्या? एक मिनट क्यों हो गया, बकवास बंद कर ले। बट चिकन का रेट क्या? ये भी याद नहीं आया, पूछ लो यार, तुसी पूछ लो। इसको सबसे ज्यादा भूख लगी हुई है। हाँ नहीं बकवास कर रहा है यार। अच्छा मैंने ना इनके साथ ना प्रैंक किया था, मैंने इनको बोला था तूने ना कढ़ाई बना के रखी हुई। ये जब से वही सोच रहे बट बोल क्यों नहीं रहा कढ़ाई का। तो ये प्रैंक था हम लोग, इसने कहा ऐसा कुछ नहीं। जब से यही तो पूछना चाह रहा था ये, और वो अली जब से ऐसे अच्छा ठीक है। यार हर बार की तरह मैं नहीं, आज ये तेरी है तू भी खाएगा। अच्छा चल थोड़ा, ये तो सारी खा दी ना, सारी खानी। शर्म नहीं आती तुझे? तो यार सीन्स कुछ ऐसे कि सब सो रहे हैं तो मैं भी सोने लगा हूँ। सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे और निकलेंगे स्पोर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल के लिए। बाय बाय। इस और टच ऑन हो गई। तो गाइस नहीं, गाइस ये है बट साहिब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री महमूद बिस्किट से ना, ही इज अली एंड ही इज रजा एंड वी आर रेडी। फनी, हम चलने लगे हैं स्टेडियम। नहीं स्टेडियम नहीं, पहले हम करेंगे नाश्ता फिर जाएंगे हम स्टेडियम। और इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी है किस तरह से सो रहे थे सब, कढ़ाई खा के कराटे शराटे ले रहे हैं, फुल थके हुए थे ना बच्चे। कोई बात नहीं तो निकलते हैं फिर। यार ये अभी पासेस चेक करें कितने हैं। ओ बस मेरा पास किधर है? पासेस ही पासेस है, मेरा भी इसके अंदर ही है ना। हाँ सबके इकट्ठे ही हैं। यार ये आशिर आ रहा है, खिजर और अली जो है अभी उधर होटल पे बैठे हुए हैं। हमने जो है खाना खा लिया है और मैं और रजा अभी इधर आए हैं स्टिंग पीने। आशिर भी आ रहा है, आशिर स्टिंग पीनी है ना, हलवा खाना है। तो हम अभी आए हैं स्टिंग पीने, स्टिंग नहीं है, स्टिंग नहीं है, नहीं है। चला फिर हलवाई खा लिए। अभी हमने ना उधर पता किया स्टिंग का, ऐसे ही रजा ठीक है मिली नहीं। हमने अगर स्टिंग लेनी थी तो हमने तीन लेनी थी आशिर के लिए भी, ठीक है आपको जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है आशिर भी स्टिंग पीने आ रहा है। तो अभी हम इधर आए, हलवा ले रहा था ठीक है, और हमसे पूछ रहे हलवा खाना। हमने तुझसे पूछे बगैर हमने स्टिंग का ऑर्डर देने लगे थे, स्टिंग पिएगा और तूने हमारे लिए हलवा नहीं लगाया। तो यार फाइनली हम पहुंच गए हैं इधर पाकिस्तान रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। चलो जी ये सारी ट्रॉफीज वगैरह रखी हुई है, आज रोबरी करनी है।